अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आज हम शर्ट काट रहे हैं, आपको शर्ट काट के बताते हैं कैसे काटते हैं। ठीक है जी, हमने प्रेस पहले लगा ली थी, हम स्मॉल साइज पे शर्ट काट रहे हैं। यहाँ हम निशान लगा लेंगे इसको सीधा। ठीक है, अभी इसकी लंबाई का साइज करेंगे, 37 लंबाई है ये, अभी 37.5। हमने बीच में इसके लेस भरनी है तो उसकी गुंजाइश रख के तो हम आधे इंच ज़्यादा काटेंगे, हम 38 पे काटेंगे। ठीक है, ये 38 हो गया। अभी हम इसको शोल्डर का साइज करेंगे, यहाँ हम 7.5 का निशान लगा लेंगे, स्क्वायर से सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह। अभी शोल्डर है इसका 14 इंच, हम इसको टोटल 15 इंच रखेंगे, यहाँ से भी 15 इंच का निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे, और स्मॉल साइज है 19 इंच चेस्ट से, ये 19 हो गया। यहाँ से ऐसे निशान लगा लिए, यहाँ तकरीबन 1/2 इंच डीप रखना है, यहाँ से 1 इंच आपने अंदर निशान लगाना है, मतलब गुलाई की कटिंग करने के लिए। तो अभी हम गुलाई देंगे इसकी ऐसे, हम इसका आम होल 8.5 तैयार करेंगे। ये 8.5 हो गया। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम इसकी साइड का निशान लगा लेंगे, हम 13 इंच पर इसका चाक रखेंगे। ठीक है, ये 13.5 पर निशान आ गया, यहाँ वेस्ट का निशान आ गया 7.5 पर। अभी यहाँ से हम सीधा निशान लगा लेंगे, साढ़े 18 इसकी वेस्ट है, वेस्ट का निशान लगाएंगे 9.25 इंच पे, और 19.5 हम हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 21 इंच लगाएंगे इसका दामन। अभी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह, ये निशान सीधा हो गया जी। ठीक है, यहाँ हमारा चाक बंद हो जाएगा। अभी हमने इसको, सॉरी याद नहीं रहा, हमने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा काटना था, तो हम इसको 1/2 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये हो गया। ठीक है जी, हमने जो कटिंग करनी थी वो हमने यहाँ लेस भरनी है, तो हम इसको 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, 2 इंच की तैयारी आएगी और हम 2.5 इंच पे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का। यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से भी निशान लग गया। अच्छा, हमने इसकी ऐसे कटिंग करनी है, हमने यहाँ लेस भरनी है, तो ये कटिंग होगी। ठीक है जी, ये निशान लग गए, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, ये निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर देनी है। ये आम होल की कटिंग हो गई हमारी, अभी बैक हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे ताकि गला बैक से ना जाए। अभी हम इस निशान पे कटिंग कर देंगे।
ठीक है जी। ये हमारी कटिंग होगी, अभी हम इसको ऊपर रखेंगे ताकि आगे पीछे ना हो हमारा। आधी इंच चार्ज में काफ़ी है, क्योंकि आधी इंच की लेस आ जाएगी तो हम आधी इंच इसको ऊपर रखेंगे पढ़ा के। अच्छा तो हम यहाँ से काट के इसको आधी इंच ऊपर रखेंगे, ठीक है ये देखें। और यहाँ दामन भी ऐसे रख लेंगे, आधी इंच रखेंगे क्योंकि आधी इंच काफ़ी है, हमारी आधी इंच लेस आ जाएगी तो लंबाई पूरी हो जाएगी। अभी पिने लगा लेंगे इसको, ये हमारा साइज आ गया अभी 19.5 इंच, ठीक हो गया। यहाँ से हमने आधी इंच एक्स्ट्रा रख लिया था ताकि बाल में मसला ना बने। ये हो गया 21 इंच, ये हमारा 15 इंच। थोड़ा दोबारा निशान लगाना पड़ेगा, आधी इंच दबाव रख देंगे क्योंकि पाइपिंग होनी है नीचे, आधी इंच दबाव काफी है। प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे बाजू रह गए थे काटने वाले, तो वो भी अभी हम काट के आपको बताते हैं। 3/4 बाजू है, 18 इंच रखने हैं हमने। प्रेस लगा लेंगे, ये देखें जी ऐसे काटने और अपने यहाँ निशान लगा लेंगे। आगे लेस लगनी है 6 इंच की, ठीक है 3 इंच लेस और 3 इंच हमने कफ लगाना है। ये 6 इंच हो गया और यहाँ आ गया हमारा 18 इंचेस, ये 18 इंचेस हो गया 18.5 पे। या हमने यहाँ 14 इंच पे निशान लगा लेना है जहाँ से हमने डीप कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह हम 7 इंचेस कर देंगे, बाजू हमारा 8.5 इंच आ जाएगा और ठीक है जी। यहाँ से हमने इसकी मोरी रख देनी है 6 इंच, ताकि जब हम वो लेस लगाएंगे तो उस हिसाब से आगे ले जाएंगे। यहाँ से अब कटिंग करेंगे हम आम होल की, इस तरह प्यारी सी गुलाई देनी है आपने। ये देखें इस तरह आपने बड़ी प्यारी गुलाई देनी है, यहाँ कट दे दें। यहाँ से आपने आधी इंच का ही दबाव रखना है, आधी इंच से ज़्यादा ना रखें, ठीक है जी। अगर समझ आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।